रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलुंगा हाईस्कूल के सामने बुधवार बाजार प्रांगण में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ब्लॉक इकाई लैलुंगा का एक दिवसीय वादा निभाओ धरना प्रदर्शन में पूरे लैलुंगा विकासखंड के लगभग सभी स्कूलों के सफाई कर्मचारी एकजुट होकर छत्तीसगढ़ सरकार से वादा निभाओ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ को पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर नियमितीकरण करते हुए मानदेय की भुगतान प्रदान करवाने का मांग किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 43,301 कर्मचारी पिछले 12 वर्षों से स्कूल सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। सफाई कार्य के एवज में 2,000 रुपए से 2,300 रुपए प्रतिमा मानदेय भुगतान किया जाता है, जो लगभग 12 वर्षों से पूर्णकालीन कलेक्टर दर की मांग करते आ रहे हैं। संघ की मांगों को लेकर वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र में संघ की मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था, परंतु आज पर्यंत मांग लंबित है। अब यह देखना होगा कि वर्ष 2023 को चुनावी वर्ष माना जा रहा है, ऐसे में स्कूल सफाई कर्मचारी संघ की मांग पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, इसे तो समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट लैलुंगा। पूर्णकालीन करना होगा। अंतकालीन को पूर्णकालीन करना होगा। नियमितीकरण करना होगा। कलेक्टर दर देना होगा। भारत माता की। अपना परिचय बताएंगे। पीताम्बर यादव, ब्लॉक अध्यक्ष, स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ लैलुंगा। आज लैलुंगा तहसील में आप लोगों को जो भीड़ दिख रही है और आप जो नारा लगा रहे हैं, क्या मकसद है आप लोग का? सर, हम लोग का मकसद एक ही है कि अंशकालीन को पूर्णकालीन कलेक्टर दर। आप कितने लोग की संगठन है? आप लोग हम लोग का ब्लॉक में 450 लगभग हैं सर। आप लोग का यह जो हड़ताल है, आज पहली बार है कि और हो चुका है? नहीं, आज 12 साल से पहली बार नारा लगा रहे हैं रैली के माध्यम से। हम लोग रायपुर में कई बार गए, लेकिन अभी हर विधानसभा, हर ब्लॉक कार्यालय में हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं आज पूरा प्रदेश भर में। इस हड़ताल के दौरान आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है अभी तक? आश्वासन अभी तक बहुत मिला है सर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं कोई। आप लोगों के मंच में आकर कोई भी नेता मंत्रीगण आकर कुछ आप लोगों को आश्वासन? 2018 में हम लोग के मंच में जाकर टीएसडी सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे मंच में, हम लोग का सरकार बनाइए, हम लोग पूर्णकालीन कलेक्टर देने के लिए 10 दिन में देंगे बोल के बोले थे हम लोग। तो अभी हम लोग का लगभग 180 दिन हड़ताल हुआ था सर, उसमें भी आश्वासन मिला था कि 300 रुपया मानदेय बढ़ाऊंगा बोल के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। आज ये हड़ताल कितने दिन की होगी आप लोग का? आज एक ही दिन का है मात्र, फिर अगला 10 तारीख को होगा, फिर 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आप लोगों ने ज्ञापन बनाई हुई है? हाँ, ज्ञापन तैयार रखे हैं हम लोग देने के लिए। ज्ञापन किन को दे रहे हैं? SDM साहब को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम से। हमारे बीच कई संगठनों में अवधराम पटेल जी दिखते हैं, इस संगठन में भी दिख रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा सामने आएंगे। हाँ, माननीय पटेल जी, आप परिचय।